हाँ जी, आज ऐसे स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.5 PSEB 5th क्लास मैथ्स। ते इदे विच क्वेश्चन नंबर 1 है साडे कोल, स्टेटमेंट है साडे कोल राइट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। हुण इदे विच सानू जो है कुछ ग्रुप्स बना के दित्ते हैं, इदे विच ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी डी ई, ए जो है इन्हां दे विच तीन नंबर्स दे या फिर इदां कह सकदे हां कि तीन फ्रैक्शंस दे सानू जो है ग्रुप बना के दित्ते गए हैं। तो सानू ये दसना है कि ये जो तीन फ्रैक्शन का ग्रुप है यानी कि 3/7, 5/7, 1/7, ये जो है लाइक फ्रैक्शन है जा अनलाइक फ्रैक्शन है। ये सानू इस बॉक्स के अंदर यानी कि जो ये बॉक्स बनया हुआ है ब्लैक बॉक्स, ये अंदर सानू जो है फिल करना है कि ये जो ग्रुप है फ्रैक्शनस का ये जो है लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है। हुण गल ये आती है कि लाइक फ्रैक्शन की होंगी है तो अनलाइक फ्रैक्शन की होंगी है। फ्रैक्शन मैं पहला भी दस्या है कि जिस जदों जो है साढ़े कोल न्यूमरेटर अपोन डिनोमीनेटर की फॉर्म दे विच कोई नंबर प्रेजेंट हुंदा है, ठीक है, जिवें असी जो है इत्थे देख सकते हाँ कि जो 3 है साढ़े कोल ए जो है न्यूमरेटर है, तो अपोन दे विच जो 7 है साढ़े कोल ए जो है डिनोमीनेटर है। तो इदां दे जो नंबरस हुंदे हैं जो कि न्यूमरेटर अपोन डिनोमीनेटर फॉर्म दे विच प्रेजेंट हुंदे हैं, इन्हां नूं आपां फ्रैक्शन कहिंदे हाँ। हुण अज असी गल करनी है कि लाइक फ्रैक्शन की हुंदी है ते अनलाइक फ्रैक्शन की हुंदी है। ते लाइक फ्रैक्शन नूं पहलां समझ लैंदे हाँ, इवें दी फ्रैक्शनस जिन्हां दा डिनोमीनेटर सेम हुंदा है, इवें दी फ्रैक्शनस जिन्हां दा डिनोमीनेटर सेम हुंदा है उन्हां फ्रैक्शनस नूं आपां लाइक फ्रैक्शन कहिंदे हाँ। तो इवें दी फ्रैक्शनस जिन्हां दा डिनोमीनेटर सेम नहीं हुंदा है, ठीक है, उन्हां फ्रैक्शनस नूं असी अनलाइक फ्रैक्शनस कहिंदे हाँ। इस क्वेश्चन दे नाल आपां समझ जावांगे कि अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन की हुंदी है। तो चलो स्टार्ट करते हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, साढ़े कोल इत्थे जो है तीन फ्रैक्शन सानूं गिवन है, एक तो 3/7 है, दूजी फ्रैक्शन 5/7 है, तो तीजी फ्रैक्शन साढ़े कोल 1/7 है। सानूं इत्थे फिल करना है कि ये जो तीनों फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन हैं या अनलाइक फ्रैक्शन हैं। हुण लाइक फ्रैक्शन की जो पहली कैटेगरी है, सॉरी जो लाइक फ्रैक्शन है उदा जो रूल है, ठीक है, कि तिना दा डिनोमिनेटर इत्थे जो तीन साढ़े कोल फ्रैक्शन है इन्हां तिना दा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए है अगर ये लाइक फ्रैक्शन हैं तो, ठीक है। इत्थे असी देख सकते हैं कि तिना दा डिनोमिनेटर 7 है, 7, 7, 7, ठीक है, तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इत्थे जो है 7 है, ठीक है। इस करके ये जो ग्रुप है फ्रैक्शनस का ये जो है लाइक फ्रैक्शनस का ग्रुप है। असी इत्थे लिखांगे कि ये जो ग्रुप है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ये जो है लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है। इस बॉक्स के अंदर असी जो है लाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस ये जो है असी लिखांगे, ठीक है, क्योंकि तिना दा डिनोमिनेटर जो है सेम है 7, इस करके ये जो है लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं, इहदे विच 6/9 है, 4/9 है, तो 1/9 है। फिर तो मुड़ के असी देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वह जो है तीनों फ्रैक्शन का 9, 9 और 9 है। अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शनस का सेम है इट मीनस कि वह लाइक फ्रैक्शनस हैं। इतने भी असी लिखांगे कि ये लाइक फ्रैक्शनस का ग्रुप है, ठीक है जी, लाइक फ्रैक्शंस हाँ जी। हुण क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, साढ़े कोल 9/12, 7/11, 7/10। इहदे विच असी देख सकते हैं कि तिना का डिनोमीनेटर वो जो है सेम नहीं है, डिफरेंट है। पहली जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमीनेटर 12 है, सैकेंड फ्रैक्शन का डिनोमीनेटर साढ़े कोल 11 है, तो थर्ड जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमीनेटर साढ़े कोल जो है 10 है। इट मीनस कि तिना का डिनोमीनेटर तीनों फ्रैक्शनस का डिनोमीनेटर सेम नहीं है, तो ये जो ग्रुप है फ्रैक्शनस का ये जो है अनलाइक फ्रैक्शनस का जो है ग्रुप है। इत्थे असी लिखांगे अनलाइक फ्रैक्शंस हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, साढ़े कोल 7/10, 6/10, 8/10। हुण असी देख सकते हैं कि तिना का जो डिनोमीनेटर है वो जो है सेम है, वो जो है 10 है, ठीक है। तिना का डिनोमीनेटर जो है 10 है, सेम है। इट मीनस कि ये जो है लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है, ठीक है जी। इत्थे असी लिखांगे लाइक फ्रैक्शंस हाँ जी।
क्वेश्चन नंबर 1 दा लास्ट अते ई पार्ट है साडे कोल 5 अपॉन 3 5 अपॉन 7 5 अपॉन 9 इत्थे हुण असीं देख सकदे हां कि तीनों जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शंस दे ओह जो है अलग-अलग ने डिफरेंट ने पहली फ्रैक्शन दा डिनोमिनेटर 3 है सेकंड फ्रैक्शन दा डिनोमिनेटर 7 है ते थर्ड फ्रैक्शन दा जो डिनोमिनेटर है ओह जो है 9 है तीनों फ्रैक्शन दे जो डिनोमिनेटर है ओह जो है डिफरेंट ने ठीक है इस करके ये जो है अनलाइक फ्रैक्शंस हन इत्थे असीं लिखांगे अनलाइक फ्रैक्शंस हाँ जी तो यह लाइक अते अनलाइक फ्रैक्शंस का कंसैप्ट लाइक फ्रैक्शन जिन्हों का डिनोमिनेटर सेम होंदा है अनलाइक फ्रैक्शंस जिन्हों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होंदा है हाँ जी नैक्सट है साढ़े क्वेश्चन नंबर 2 राइट टू लाइक फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग सानू इन थ्री पार्ट्स वास्ते यानी कि ए बी सी वास्ते जो है टू लाइक फ्रैक्शंस लिखनिया ने ते सानू थ्री लाइक फ्रैक्शंस गिवन हन इन्हां नू वेख के सानू जो है दो होर अग्गे जो है लिखनिया ने लाइक फ्रैक्शंस ते लाइक फ्रैक्शन दा जो रूल है उहदे विच ए है कि जो डिनोमिनेटर है वह जो है सेम होना चाहिए है हुण अगर असी क्वेश्चन नंबर 2 दा ए पार्ट वेखिए तो ये 1/5 4/5 3/5 तिना दा जो डिनोमिनेटर है वह जो है 5 है ठीक है तो जो न्यूमरेटर है वह असी कुछ भी रख सकते हाँ जरूरी नहीं है कि तुसी कुछ रखो और उही सेम जो है न्यूमरेटर जो है तुहाडा फ्रेंड भी रखे ये जरूरी नहीं है असी कोई भी न्यूमरेटर लै सकते हैं यानी कि कोई बच्चा न्यूमरेटर कुछ भी लै सकता है ठीक है कोई दूसरे वाला बच्चा न्यूमरेटर नू जो है कुछ भी लै सकता है बट लाइक फ्रैक्शन अगर असी बनाना है तो जो डिनोमिनेटर है वह जो है सेम होना चाहिए है ठीक है हुण इत्थे असी देख रहे हैं कि 1/5 4/5 3/5 जो डिनोमिनेटर है वह जो है 5 है तो सानू पता है कि ये जो है लाइक फ्रैक्शन हैं ठीक है तो सानू इस तों बाद अगे जो है दो होर लाइक फ्रैक्शंस लिखनिया इत्थे और इत्थे ठीक है क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है राइट टू लाइक फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग इन्हां दे वास्ते सानू जो है दो होर लाइक फ्रैक्शंस लिखनिया ने तां इट मीनस कि सानू जो डिनोमिनेटर है ए पार्ट दे अंदर उसनू जो है 5 ही रखना है ठीक है तां ही लाइक फ्रैक्शन बनेगी ते इत्थे 1/4/3 जो है आ चुका है हुण नैक्सट मैं जो है न्यूमरेटर जो है 2 ले लेना हाँ ठीक है 2 और डिनोमिनेटर तो जो है वह तो 5 ही रहेगा ठीक है नैक्सट के अंदर भी जो डिनोमिनेटर है वह तो 5 ही रहेगा ठीक है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन की गल हो रही है डिनोमिनेटर सानू जो है सेम रखना है तो एक जो है 2/5 असी लै चुके हाँ 1/4/3 आ चुका है तो इत्थे मैं जो है 5 ता नहीं लै रहा हाँ क्योंकि 5 जो है 5 के नाल कैंसल आउट हो सकता है वैसे उहदे विच मिस्टेक नहीं है असी लै सकते हाँ बट 5 जो है 5 के नाल कैंसल होकर 1 बन जाएगा ठीक है तो ये जो है फिर फ्रैक्शन नहीं रहती है तो ये वाला जो थोड़ा केस है कन्फ्यूजन वाला है तो असी 5 नहीं लवेंगे असी 6 लवेंगे ठीक है क्योंकि 5 जो है 5 के नाल कट हो सकता है इतने असी लैने 6 ठीक है तो 6/5 तो हूँ ये जो है दो फ्रैक्शंस जो लाइक फ्रैक्शंस हैं इदे वर्गियाँ ठीक है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है सेम है 5 इदा ही हूँ असी बी पार्ट वेख लें हाँ ये डिनोमिनेटर जो है साढ़े को 9 9 9 है इट मीनस कि सानू डिनोमिनेटर तो 9 ही रखना है ठीक है ता ही लाइक फ्रैक्शन बनेगी तो हूँ न्यूमरेटर असी कुछ भी रख सकते हैं 3 इतने आ चुका है 4 आ चुका है 7 आ चुका है इतने असी 1 ले लें हाँ ठीक है तो 2 भी जो है हाले नहीं आया है तो असी इतने 2 ले लें हाँ ठीक है तो 1/9 और 2/9 ये जो है दो लाइक फ्रैक्शन हैं इस तो अगे हाँ जी सी पार्ट है साढ़े को 2/7 3/7 9/7 ये जो डिनोमिनेटर है वह जो है 7 है तो इट मीनस कि इतने सानू डिनोमिनेटर 7 रखना पेगा लाइक फ्रैक्शन बनाने वास्ते तो 2 3 9 ये जो है पहले आ चुके हैं तो असी हूँ जो है इतने 1 यूज़ कर लें हाँ तो इतने जो है 2 3 9 आए ने 4 हाले नहीं आया है तो इतने असी जो है 4 यूज़ कर लें हाँ ठीक है तो 1/7 4/7 ये जो है दो अगे जो है लाइक फ्रैक्शन हैं इन्हों दियाँ ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हाँ जी नैक्सट है साढ़े क्वेश्चन नंबर 3 राइट द यूनिट फ्रैक्शन हूज डिनोमिनेटर इज एज फॉलोज सानू जो है इन नंबरस का जो है
फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। सानू इना नंबर्स का यूज़ करके एज अ डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। तो इट मीनस कि सारे नंबरस जो है डिनोमिनेटर के आएंगे, तो सानू जो है यूनिट फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। कल्ला जो है फ्रैक्शन नहीं बनाना है, यूनिट फ्रैक्शन बनाना है। हुण यूनिट फ्रैक्शन दे विच की खास होंदा है, यूनिट फ्रैक्शन आपां उसनू कहने हाँ जिहदा न्यूमरेटर वन होंदा है, ठीक है। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वन है, ठीक है, तो उसनू आपां जो है यूनिट फ्रैक्शन कहने हाँ। तो हुण अगर असी सैवन नू एज अ डिनोमिनेटर लैके यूनिट फ्रैक्शन बनाना है, इट मीनस कि सानू न्यूमरेटर तो वन लैना पेगा। तो इत्थे जो है ए पार्ट ते सैवन ते सामने जो है असी यूनिट फ्रैक्शन लिखना है, ते सैवन दे बिल्कुल सामने जो है असी न्यूमरेटर वन लवेंगे, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन बनाने वास्ते न्यूमरेटर का वन होना जरूरी है। तो उन्होंने सानू किया है कि राइट द यूनिट फ्रैक्शन हूज डिनोमिनेटर इज एज फॉलोज, कि सानू ए वाले नंबरस नू डिनोमिनेटर यूज करके यूनिट फ्रैक्शन बनाना है। इट मीनस कि वन तो आ गया क्योंकि ये जो है यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है, न्यूमरेटर। तो ए वाले सैवन असी डिनोमिनेटर के लिखांगे। इदा ही हूँ जो बी पार्ट है, ये सानू जो डिनोमिनेटर है उन्होंने जो है सानू फाइव लेना है। इट मीनस कि असी डिनोमिनेटर असी फाइव लवेंगे, तो क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन बनानी है, इट मीनस कि न्यूमरेटर वन होएगा। हाँ जी, सी पार्ट है, ये साढ़े को जो है एट है, इट मीनस कि डिनोमिनेटर असी जो है एट लवेंगे यूनिट फ्रैक्शन वास्ते, तो क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन है तो वन जो है न्यूमरेटर। डी पार्ट साढ़े को जो है थ्री है, तो थ्री नू असी एज अ डिनोमिनेटर यूज़ करांगे, तो क्योंकि असी यूनिट फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो वन नू असी जो है एज अ न्यूमरेटर लवेंगे। हाँ जी, ई पार्ट है साढ़े को 15, ये हूँ असी जो डिनोमिनेटर है वो 15 लवेंगे, तो क्योंकि असी हुण यूनिट फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो न्यूमरेटर जो है वन आएगा, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन अगर असी कभी भी बनाना है तो उदे वास्ते सानू जो है न्यूमरेटर नू वन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हां नंबरस नू असी जो है एज अ डिनोमिनेटर यूज़ किया है इस क्वेश्चन दे विच। यूनिट फ्रैक्शन वास्ते न्यूमरेटर जो है वन आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर है साढ़े कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर प्रोपर एंड इमप्रोपर फ्रैक्शंस। सानू इन फ्रैक्शंस के विचों दसना है कि केड़ी फ्रैक्शन प्रोपर फ्रैक्शन है या फिर इमप्रोपर फ्रैक्शन है। हुण प्रोपर फ्रैक्शन की होंदी है, वह फ्रैक्शन जिहदा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो स्माल होए, ठीक है, लैस दैन होए। ओहो फ्रैक्शन जिहदा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो लैस दैन होए यानी कि स्माल होए, ठीक है, उसनों आपां प्रोपर फ्रैक्शन कहने हाँ। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ग्रेटर हुंदा है यानी कि वड्डा हुंदा है, उसनों आपां इमप्रोपर फ्रैक्शन कहने हाँ। तो हुण असी इना फाइव पार्ट्स नू जो है प्रोपर फ्रैक्शन और इमप्रोपर फ्रैक्शन दे विच लिखना है। तो पहला देख लैने हाँ। हाँ जी, ए पार्ट है साढ़े कोश्चन नंबर फोर का 7/12, ये सूँ जो फ्रैक्शन गिवन है 7/12, ये असी देख सकते हैं कि न्यूमरेटर 7 है तो डिनोमिनेटर साढ़े को जो है 12 है। इट मीनस कि जो न्यूमरेटर है वो जो है लैस दैन है डिनोमिनेटर तो, ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो जो है छोटा है डिनोमिनेटर तो। इट मीनस कि ये जो है प्रोपर फ्रैक्शन है। इसनों आप लिखांगे, हाँ जी, प्रोपर फ्रैक्शन। हाँ जी, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर तो स्मालर है, 7 जो है 12 तो स्मालर है, इस करके ये जो है प्रोपर फ्रैक्शन है। बी पार्ट है साढ़े को 8/3, ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर तो ग्रेटर है, जो 8 है न्यूमरेटर वो जो है डिनोमिनेटर 3 तो जो है ग्रेटर है यानी कि वड्डा है। इट मीनस कि ये जो है इमप्रोपर फ्रैक्शन है। इतने असं लिखांगे इमप्रोपर फ्रैक्शन, इमप्रोपर फ्रैक्शन। हाँ जी, इमप्रोपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। हाँ जी, सी पार्ट है साढ़े को 12/18। हुण इहदे विच असी देख सकते हैं कि न्यूमरेटर 12 है तो डिनोमिनेटर 18 है। हुण न्यूमरेटर जो है लैस दैन है डिनोमिनेटर तो, इट मीनस कि ये जो है प्रोपर फ्रैक्शन है। हाँ जी, नैक्सट डी है साढ़े को, डी पार्ट 3/5, ये भी असं देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो जो है डिनोमिनेटर तो लैस दैन है, तो इट मीनस कि ये भी जो है प्रोपर फ्रैक्शन है।
हाँ जी लास्ट ई पार्ट है साढ़े को 7/9 ये भी जो न्यूमरेटर है 7 है तो डिनोमिनेटर जो है 9 है तो न्यूमरेटर 7 लैस दैन है डिनोमिनेटर 9 तो इट मीनस कि यह भी जो है प्रोपर फ्रैक्शन है। हाँ जी इतने असी लिखा प्रोपर फ्रैक्शन हाँ जी तो यह सी कंसैप्ट प्रोपर फ्रैक्शन इमप्रोपर फ्रैक्शन का। प्रोपर फ्रैक्शन जिदा जो है न्यूमरेटर लैस दैन है डिनोमिनेटर तो इमप्रोपर फ्रैक्शन जिदा न्यूमरेटर जो है ग्रेटर दैन है डिनोमीनेटर तो यह सी एक्सरसाइज 4.5। अगर ये कुछ भी कोई टॉपिक जो है तुहानू समझ नहीं आया है तो तुसी मैं नीचे कमेंट दे विच जो है लिख के दस सकते हो मैं उदी वीडियो जो है दोबारा तो जो है बना के अपलोड कर देवांगा। ठीक है अगर कोई भी टॉपिक लगता है कि तुहानू नहीं समझ आया है तो तुसी मैनू कमेंट दे विच दस सकते हो।